पीपल आर जेनरस, प्राइसेस आर चीप, व्हाट एल्स यू वांट, उन दोनों का मीटिंग पॉइंट है। मिलेट्स का रिवर, नो फिलिंग, ट्रेडिशनल सेफडा म्यूजिक, जहां से पूरी सिटी दिखाई देती है, द वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस। पूरी स्ट्रीट पर दो लोग हैं, मेरे को लगा के तीन। अगर जो आप इस सिटी में आएंगे तो ये आपका फेवरेट पार्ट बन सकता है। पहले तो आप देखिए सिटी हॉल को, अगर जो आप कम्प्लीटली दूर से देखते हैं तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना खूबसूरत लगता है। अभी तो खैर लाइटिंग नहीं है, और साथ में है ये मिलेट्स का रिवर, काफ़ी साफ़ सुथरी है। काश हम भी अपनी रिवर्स को ऐसे ही साफ़ रख सकें। और मैं अब जाना चाहता हूँ फर्दीनंद ब्रिज की तरफ, उसकी हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वॉर के लिए भी और इस सिटी के लिए भी। लेकिन उससे पहले आई वांट यू टू हैव अ लुक अराउंड। आज का मौसम थोड़ा ख़राब है, धूप नहीं है आज, बट स्टिल अब यहाँ पर मैंने सुना है काफ़ी पोल्यूशन भी रहने लग गया है। लेकिन ये जो पहाड़ हैं पोल्यूशन के टाइप पे, लोग यहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आप सामने वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये पहाड़ के ऊपर छोटी सी बिल्डिंग टाइप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखने के लिए काफ़ी कुछ है। इसके साथ में एक येलो फोर्ट बताया जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और वहाँ से पूरी सिटी दिखती है। तो प्रॉब्ली मैं कल या परसों, अभी तो है मेरे पास टाइम, इस जगह आकर ट्राई करूँगा कि उसको भी शूट करूँ और आपको दिखा पाऊँ। मैं आपको एक ट्रेडिशनल शॉप दिख, नॉट शॉप, यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल खाना कैसे बनता है। दे कॉल इट, व्हाट यू कॉल इट, सोमून। सो ये है, सॉरी, ये है सोमून। और देखिए ये कैसे बनाते हैं लोग यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये बनाकर बाहर निकाल रहे हैं, वेरी वेरी फास्ट। ये एक भट्टी है और इसको टेस्ट करूँगा, देखता हूँ आज लंच में शायद मैं यही खाने वाला हूँ। डू दे ऑल्सो हैव फिलिंग्स इनसाइड, नो फिलिंग, ओके। I'll do that. Shukran. This is the address he's saying. Fala, shalom. Allah. Commission for patrimony, you know. ये जो आप वॉल्स के ऊपर मेमोरियल्स देख रहे हैं, इस पे जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पे लिखा है कि यहाँ पर 8 लोगों की जान गई थी। तो यहाँ पर पूरी सिटी में ऐसे कई सारे मेमोरियल्स हैं, नॉट जस्ट दिस वन। और इसके ऑपोजिट में आप ये जो देख रहे हैं, ये है एक पब्लिक किचन, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ आके खा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी होते हैं ऐसे किचन्स अलग अलग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के programs. Guys, ये जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सेफडा म्यूजिक। और ये लोग इसको प्रिजर्व करने का ट्राई कर रहे हैं।
और ये जो सामने वॉल दिखाई दे रही है ये उस पर बुलेट मार्क्स हैं, अगेन अ मेमोरी। और ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, मैंने आपको बताया ये इनका ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, मैं अपनी वीडियो में इसको यूज़ करूँगा। Them turning here, this was not the protocol, but driver was not well informed about new protocol because the first one felt on the right side. They were having meeting in the city hall with the mayor, returning, they lost lives. Big story started, geopolitical situation at that time, not that easy. Serbia didn't allow Austria, Hungary to investigate case. This is the bridge. Serbia. Yes, but not, it's related to this place. Assassination happened here. Bridge, it's called Latin Bridge because a lot of Catholics used to live on that side of the river. There is a church, Franciscan church, showing that. This is the man who killed Peters. ये लैटिन ब्रिज के साथ में पिक्चर लगी हुई है गावरिलो प्रिंसिप की, जिन्होंने असैसिनेट किया था फर्डिनंड को. And you will try to learn more reading or searching on the internet. They were arriving this way from the hotel, 10 kilometers, luxurious hotel. First bomb fell next to that bridge. Then Nedeljko Čubrilović, band member. Then they continued to the city hall. We were together in the city hall, returning. Right. Story behind support from another association from Belgrade. Not just Orthodox Serbs inside, different young people, activists who like I want to remind you, Austria also, Ottomans were doing a lot of good for city, for citizens, and inside 52 shops since 1555, it was made in the 1555. Look in front of you, Orthodox church. There is a roof. Then lovely, lovely, more and more modern buildings. गाइज़ अगर आप 250 मीटर्स 300 मीटर्स होगा ज़्यादा प्लेन से ऊपर चढ़ सकते हैं, चढ़ना पड़ेगा पैदल ही, वैसे गाड़ियाँ भी आती हैं, बट वाई टू वेस्ट मनी अननेसेसरली। तो आप इस टॉप पॉइंट पे पहुंच सकते हैं सिटी के, जहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। मैं आपको बताता हूँ कुछ इस सिटी के बारे में। ये सिटी अंडर सीज थी फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए। तो अब जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सिटी है नीचे और चारों तरफ ऊंचाइयां हैं, मतलब सिटी वैली में है। तो ये जो आप चारों तरफ पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से सिटी के लोगों को घेर रखा था 4 साल के लिए। और यहाँ पर इतनी डेथ्स हुई हैं, इतनी बर्बादी हुई है, देखकर बहुत ही एक ईरी फीलिंग आती है, एक सैड फीलिंग आती है। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इधर से देखने में ये शहर कितना खूबसूरत लग रहा है आपको, एकदम जैसे ड्रीम वर्ल्ड होता है। रिवर साइड, लाल छत के घर, जो कि एक यूरोप की टिपिकल निशानी है, जिसको देख के हम समझते हैं कि ये यूरोप होगा। और ग्रीनरी, बट एक सैड रियलिटी भी है इसमें, और वो सैड रियलिटी है ये। और ऐसा सिर्फ यहीं पर नहीं है, मैं आपको बाकी जगह भी दिखाता हूँ। ये एग्जैक्टली मेरे सामने
अगर जो आप अभी तक गेस नहीं कर पाए हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये है कब्रिस्तान। ये कब्र हैं, सारी ग्रेव्स हैं, ग्रेवयार्ड है ये, और ये पूरी सिटी में जगह जगह पर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपने इस पास्ट को भुलाना ही नहीं चाहते। वैसे यहाँ से आप पूरी सिटी या पूरा शहर देख सकते हैं। ये जो भी फ्रेम में है, ये सिटी हॉल है। ये कल मैंने सामने से दिखाया था, ये ऊंचाई से देख लो आप रिवर के बिल्कुल साथ से। और अगर जो आप रिवर के साथ साथ सीधा निकल जाएंगे तो आप सिटी के मॉडर्न पार्ट में पहुंच जाएंगे। ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। आज मौसम थोड़ा साफ नहीं है। ये देखिए आप, काफ़ी ठंड भी है। इटर्नल फ्लेम टू ऑनर पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर टू। और अगर आप इसको फेस कर रहे हैं तो राइट साइड वाली स्ट्रीट लेते हैं, तो स्ट्रीट का नाम है फरादिया स्ट्रीट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रीट इन सारा यावो, क्योंकि स्ट्रीट्स पर काफ़ी अट्रैक्शंस हैं। आप स्ट्रीट पर चलेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में आता है एक चर्च। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल या सेक्रेड हार्ट चर्च कह लीजिए आप, जो कि एक गोथिक स्टाइल का कैथोलिक चर्च है 19th century का। और उससे थोड़ा ही आगे राइट में आप देख पाएंगे म्यूज़ियम ऑफ क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी। ये जो म्यूज़ियम है छोटा है, लेकिन ये अच्छी तरह डिपिक्ट करता है कि वॉर के टाइम पे यहाँ के लोगों की क्या सिचुएशन थी, कैसे लोग रहते थे, कैसे उन्होंने सफ़र करा है।
इस स्ट्रीट पर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको आगे जाके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस पे आप पहुंचेंगे। सारा यहाँ वो मीटिंग ऑफ कल्चर्स बोलते हैं, जो ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर्स का डिफ्रेंसिएशन आपको दिखाता है एक ही जगह खड़े होने पर। और फिर आप उससे थोड़ा आगे जाते हैं, उससे थोड़ा आप आगे जाते हैं तो गाजी हुजरफ बेग्स की मॉस्क पे आप पहुँचते हैं। कंटिन्यू फर्दर तो आप पहुँच जाएंगे वापस से पिजन स्क्वायर। सारा यहाँ वो मीटिंग ऑफ कल्चर्स, यही है वो यूनिक प्लेस जिसके बारे में मैं बोल रहा था। और इसकी खासियत ये है कि ये दो वेरी डिफरेंट कल्चर्स, ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर, उन दोनों का मीटिंग पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपकी ईस्टर्न साइड, एरो से मार्क कर रखा है इन्होंने ईस्टर्न साइड वेस्टर्न साइड, तो दिस इज़ ईस्टर्न साइड। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो है ऑटोमन इस्लामिक कल्चर। और अगर जो आप घूम जाते हैं 180 डिग्री टर्न लेते हैं तो आप देख सकते हैं टोटली डिफरेंट वेस्टर्न आर्किटेक्चर, दिस इज़ ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्किटेक्चर। तो बस एक ही स्टेप लेना है टू मूव फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न या वाइस वर्सा। बैक टू लेटिन ब्रिज, और ये सारायेवो की सबसे सिग्निफिकेंट प्लेस है, नॉट ओनली सारायेवो बट द वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, क्योंकि यहीं पर फ्रांस फर्डिनेंड जो थे और उनकी वाइफ का असैसिनेशन हुआ था इन 1914। और ये इवेंट जो था ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था फॉर स्टार्टिंग द वर्ल्ड वॉर वन। Very different sad feeling because of its historical significance. ये 7 बजे का हाल है स्ट्रीट का, और ये मेन स्ट्रीट है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैम चलती हैं। पूरी स्ट्रीट पर दूर दूर तक बस एक इंसान दिखाई दे रहा है। ये हाल हो जाता है, आप दूर तक स्ट्रीट देख पा रहे होंगे। देखिए थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक और दो, पूरी स्ट्रीट पर दो लोग हैं, मेरे को लगा के 3। आई होप आपको सारायेवो सिटी पसंद आई होगी। यहाँ पर 2-3 दिन में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसके बाद यू कैन मूव टू मोस्टार या किसी और सिटी में। पीपल आर जेनरस, प्राइसेज आर चीप, व्हाट एल्स यू वांट, प्लीज़ कम एंड एंजॉय।